जापान में जब भी कोई आपदा आती है तो यहाँ के सबसे पहले रोड और बिल्डिंग्स पूरी तरह से ढह जाते हैं, लेकिन यहाँ की सरकार रातों रात इन्हें दोबारा से बनाकर तैयार कर देती है। लेकिन इसके पीछे का रीजन आखिर है क्या? क्योंकि दुनिया में जापान के अलावा और भी बहुत से ऐसे देश हैं जो जापान से भी ज्यादा एडवांस हैं, लेकिन वहाँ भी इतनी जल्दी क्षतिग्रस्त रोड्स का रिकंस्ट्रक्शन नहीं हो पाता। और क्यों केवल दुबई की पुलिस के पास ही सुपर कार्स देखने को मिलती हैं, जबकि अरब के दूसरे देशों के पास भी पैसे की कोई कमी नहीं है और चाइना पूरी दुनिया के साथ दुश्मनी मोल लेने के लिए तैयार है लेकिन रूस के साथ नहीं? इन सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। देखो, जो जापान है वो एक ऐसा देश है जिसने दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे ज्यादा डेवलपमेंट की है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ये देश लगभग पूरी तरह से समाप्त हो चुका था, लेकिन जो कमबैक इसने किया है वो कोई और देश अभी तक नहीं कर पाया है। लेकिन आपने जापान की एक चीज को हमेशा नोटिस किया होगा कि जब भी किसी नेचुरल डिजास्टर के दौरान जापान में कोई सड़क या बिल्डिंग टूटती है तो यहाँ की सरकार उसे कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों के अंदर ही बनाकर तैयार कर देती है। वेल, इसके पीछे का रीजन यहाँ की जियोग्राफी है। जापान एक ऐसा देश है जो कि छोटे छोटे टापुओं से मिलकर बना है। इसके अलावा जापान का ज्यादातर हिस्सा माउंटेन के बीचों बीच बसा हुआ है। जब यहाँ पर किसी भी तरह का नेचुरल डिजास्टर होता है तो सड़कें और बिल्डिंग टूटना एक आम बात होती है, लेकिन अगर इन सड़कों को जल्दी से जल्दी न बनाया जाए तो यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन बुरी तरह से अफेक्ट हो जाएगा, जो कि यहाँ की इकोनॉमी को बुरी तरह से प्रभावित करता है। इसी वजह से जापान जल्दी से जल्दी अपने रोड्स और बिल्डिंग्स को बनाने की कोशिश करता है। दुनिया का लगभग हर इंसान अपने जीवन में एक ना एक बार दुबई जरूर जाना चाहता है, क्योंकि दुबई की लग्जरी और यहाँ का जीवन हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित करता है। लेकिन आप लोगों ने दुबई की एक चीज को जरूर नोटिस किया होगा कि यहाँ की पुलिस के पास ज्यादातर कार्स हैं। तो क्या इसके पीछे का रीजन दुबई का पैसा है? जवाब है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जो दुबई शहर है वो यूनाइटेड अरब अमीरात देश में आता है और अरब में बहुत से और भी देश हैं जो यूएई से ज्यादा अमीर हैं, लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा सुपर कार्स दुबई पुलिस के पास हैं। इसके पीछे का रीजन है वहाँ का लाइफस्टाइल। दुबई में ज्यादातर मिलियनेयर्स ही आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए जो दुबई की सरकार है वो पूरी दुनिया में एक ट्रेंड सेट करना चाहती है कि ये देखो, हमारे यहाँ की पुलिस भी सुपर कार्स में चलती है। ये सबसे बड़ा कारण है दुबई पुलिस के पास सुपर कार होने का। हमारा एक पड़ोसी देश है जिसका नाम है चाइना, वो पूरी दुनिया देशों से दुश्मनी मोल ले रहा है लेकिन रूस से नहीं। बहुत से लोग इसके पीछे का रीजन रूस का पावरफुल होना समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। असल में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर के रिजर्व रूस के पास हैं। यानी अगर आज पूरी दुनिया का फ्रेश वाटर खत्म हो जाए तो केवल रूस ही एक ऐसा देश होगा जो कई सालों तक पूरी दुनिया की पानी की खपत को पूरी कर सकता है। इसलिए चाइना रूस के साथ थोड़ा सॉफ्टली बिहेव करता है ताकि जरूरत पड़ने पर ये अपने फ्रेश वाटर की कमी को रूस से पूरा कर पाए। हमारा भारत और नेपाल, ये दो एक ऐसे देश हैं जो फ्यूचर में जीते हैं। भारत और नेपाल में विक्रम संवत कैलेंडर को यूज किया जाता है जो कि मॉडर्न कैलेंडर से 56 साल 8 महीने आगे रहता है। हमारे भारत में विक्रम संवत कैलेंडर का यूज किया जाता है, लेकिन नेपाल में तो पूरी तरह से विक्रम संवत कैलेंडर को ही यूज किया जाता है। इस वजह से तिथि के अनुसार हमारा भारत और नेपाल दुनिया के और देशों के मुकाबले फ्यूचर में जी रहे हैं। क्या आप लोगों ने कभी एक ऐसे देश के बारे में सुना है जहां के लोग पानी से ज्यादा अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं? इस लिस्ट में अमेरिका और ब्रिटेन नहीं है और ना ही हमारा भारत है, बल्कि पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है चेक रिपब्लिक। चेक रिपब्लिक देश के निवासी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। इसके अलावा पूरी दुनिया में ये केवल एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर सबसे ज्यादा मशरूम्स को कंज्यूम किया जाता है। और हमारी धरती पर मॉडर्न टाइम्स में इंसानों द्वारा बनाई गई सबसे पुरानी घड़ी भी यहीं पर है, जिसका नाम है प्रेग एस्ट्रोनॉमिकल क्लॉक, जो चेक रिपब्लिक के प्रेग नाम के शहर में है। गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब।